अपोलो प्रोग्राम के शुरुआती दिनों में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को समझ नहीं आ रहा था कि कोई रॉकेट किस तरह पृथ्वी को छोड़ चांद पर उतर सकता है। वो उलझन में थे, ये पहेली वो सुलझा नहीं पा रहे थे। चांद तक पहुंचने के लिए एक बड़े और ताकतवर रॉकेट की जरूरत थी। इसे भला किसी दूसरी दुनिया की सतह पर कैसे लैंड करा सकते थे, और वो भी क्रैश हुए बिना। इससे भी बड़ी पहेली ये थी कि इसी में कैसे अपने क्रू को सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाता। डायरेक्ट एसेंट कहलाने वाला यह तरीका नासा इंजीनियर जॉन हुबोल्ट और उनके साथियों को नामुमकिन सा लग रहा था। कहानी का एक पहलू यह है कि दो स्पेस साइंटिस्ट्स ने कॉन्ड्रोट्यूक के सपने को अब भी जिंदा रखा हुआ था। उन्होंने 40 साल पुरानी